नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टोर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको दो नए अपडेट्स की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें पहला जो अपडेट निकल कर आता है फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 2015 को लेकर, जिसमें करीब 1500 पद अभी भी खाली हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ था उन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके बीच में। आगे हम इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। और दूसरा अपडेट जो निकल कर आता है वो पटवारी भर्ती परीक्षा से, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड RSM SSB ने रेवेन्यू बोर्ड को नियुक्ति के संबंध में अनुशंसा का पत्र जो है वो भेज दिया है। तो सबसे पहले आपको इनके प्रूफ दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 में, जिसमें प्रदेश में 1500 पद खाली, फिर भी वेटिंग वालों को नियुक्ति नहीं। मतलब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, उसमें भी 1500 पद खाली है। और जैसा कि न्यूज़ में बताया कि नव चयनित व्याख्याताओं की ओर से पद छोड़कर पूर्व पद पर आ जाने से काफ़ी पद खाली हुए हैं, उन्हें भी वेटिंग लिस्ट में भरवाया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, अब उनकी जगह रिजर्व लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी काफ़ी अच्छी बताई जाती है, और जिन विद्यार्थियों का इसमें चयन हुआ है उन्हें इससे अच्छी वैकेंसी में उनको मौका मिला होगा, तभी उन्होंने ये फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है इनके पदों को खाली किया है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ में जो जानकारी दी गई है उसको उसके बारे में आपको बताते हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 में रिशफल व रिजर्व लिस्ट जारी करवाने को लेकर गुरुवार को अभ्यर्थी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ से मिलकर ज्ञापन दिया। मुकेश शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया कि भर्ती का परिणाम जारी हुए 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई है। RTI से पता लगाया कि अभी भी 1500 पद रिक्त पड़े हैं। ये भी बताया गया है कि आयोग को इस भर्ती में 450 विस्तृत आवेदन प्राप्त नहीं हुए, जिनके स्थान पर आयोग रिशफल परिणाम जारी करता है। अभी तक काम नहीं हुआ है, पिछले 2 महीनों में आयोग की ओर से उक्त लिस्ट पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। ज्ञापन में बताया कि कुछ नवचयनित व्याख्याताओं की ओर से पद छोड़कर पूर्व पद पर आ जाने से काफ़ी पद खाली हुए हैं, उन्हें भी वेटिंग लिस्ट में भरवाया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, अब उनकी जगह रिजर्व लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो इस प्रकार जिन जो विद्यार्थी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 में जो कट ऑफ गई है उसके आसपास उनके नंबर आते हैं, तो उनका इस वैकेंसी में आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो आप इसके बारे में ये न्यूज़ जो आज के चूरू के न्यूज़पेपर में आई है, तो आप अपने मार्क कट ऑफ को देखिए और अपने नंबर को देखिए कि आपके वेटिंग में आने के चांसेस हैं। तो दूसरे अपडेट की बात करते हैं, पटवारी भर्ती 2015, जिसमें 3127 पदों पर नियुक्ति की सिफारिश राजस्व मंडल को भेज दी है, और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने नियुक्ति की अभिशंसा सरकार को भेज दी है। बोर्ड अध्यक्ष नंद सिंह नरुका ने बताया कि सूची में गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP एरिया के TSP एरिया के 285 अभ्यर्थी हैं, और नॉन TSP एरिया के 2842 अभ्यर्थी हैं। कुल 4400 पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जो कि नवंबर 15 में जारी हुआ था, लेकिन जो पिछले साल फरवरी में प्रारंभिक और दिसंबर में मुख्य परीक्षा के बाद जून 17 में परिणाम जारी हुआ, लेकिन फिर भी नियुक्ति को लेकर मामला अदालत में चला गया। बुधवार को अदालत का स्थगन आदेश हटने के बाद नियुक्ति की सिफारिश की गई। तो इस प्रकार ये नियुक्ति की जो सिफारिश है वो बोर्ड को भेज दी गई है। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।